द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने पैराट्रूपर्स के बारे में कहा था, मैन अ पार्ट एवरी मैन एन एम्परर। हिंदी में इसका अनुवाद है, ये बंदे अलग हैं, हर शख्स सम्राट है। ये हमारी रेजिमेंट की पहचान है, जो कि चार वर्दी पर चार मुख्य चिन्हों से दर्शाए जाते हैं। सबसे पहले मरून बेरे या लाल टोपी, बाकी सेना के बाकी रेजिमेंट्स से विपरीत मरून टोपी दी नहीं जाती है, ये कमाई जाती है। ये आपके कार्यकुशलता, उत्कृष्टता, साहस, बहादुरी, दृढ़ता और मजबूती का चिन्ह है। लाल टोपी पहनने वाले को जब आम लोग और देश के नागरिक देखते हैं, तो उनके मन में एक भरोसा जागृत होता है कि अब स्पेशल फोर्सेस या पैराशूट रेजिमेंट के नुमाइंदे मुश्किल वक्त में मैदान में उतर गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। ये जो भरोसा है, ये पिछले 76 साल में हमारे पूर्वजों ने कड़ी मेहनत, खून और पसीने के साथ ये उपलब्ध किया है। इस टोपी को पहनने वाले के कंधों पर ये जिम्मेवारी हमेशा रहती है कि वो देशवासियों की और आम नागरिक की उम्मीदों को कायम रखे। दूसरा चिन्ह बलिदान का बैज, जो कि हम अपने छाती के दाहिने तरफ पहनते हैं, ये उसे दर्शाता है कि हम हमेशा कुर्बानी और त्याग देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग और नॉर्मल निजी जीवन में। तीसरा पैरा विंग्स का जो चिन्ह है, ये एक ऊंचे आसमान में उड़ते हुए जहाज से कूदने के बाद इसको पहनने का हक हासिल होता है, और ये दर्शाता है कि विंग्स पहनने वाले ने डर के ऊपर काबू कर लिया है। और चौथा स्पेशल फोर्सेस का जो कंधे के ऊपर बैज पहना जाता है, ये दर्शाता है कि कुछ विशेष ताकत या कुछ विशेष उपलब्धि है इसको पहनने वाले में, बाकी नॉर्मल यूनिट्स और आर्मी के अलावा।